भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्रीमान महेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्री शरद वाजपेयी जी, इस रैली के प्रभारी श्री पुरुषोत्तम जी खंडेलवाल, संसद में मेरे साथी भाई अजय मिश्रा जी, जिला के प्रभारी श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह, संसद में हमारे साथी श्रीमती रेखा अरुण वर्मा जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान गोविंद पांडे जी, सीतापुर के जिला अध्यक्ष श्री अजय कुमार गुप्ता जी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के होनहार उम्मीदवार दौरहरा से श्री बाला प्रसाद अवस्थी जी, इधर आइए बाला जी, पुलिया से श्रीमान रोमी साहनी जी, निधासन से श्रीमान राम कुमार वर्मा जी, कस्ता से श्रीमान सौरभ सिंह सोनू जी, मोहम्मदी से श्रीमान लोकेंद्र प्रताप सिंह, हर गांव से श्रीमान सुरेश शाही जी, श्रीनगर से श्रीमती मंजू त्यागी जी, लखीमपुर से श्रीमान योगेश वर्मा जी, आप सब दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की। विशाल संख्या में पधारे हुए लखीमपुर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये 2017 का चुनाव ২০২২ में भारत की आजादी के 75 साल का वर्ष आ रहा है। ये जो सरकार चुनी जाएगी वो 2022 भारत की आजादी के 75 साल, आजादी के बाद 75 साल पहुंचते हुए हमारा देश कहां पहुंचना चाहिए, किन किन समस्याओं से देश को मुक्ति मिलनी चाहिए, ये सारा समय ऐसा महत्वपूर्ण संकल्प का काम करके दिखाने का, बदलाव लाने का, विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का ये समय हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश ने भूतकाल में अनेक दशकों तक कांग्रेस का शासन देखा है, कई बार सपा की सरकारें देखी है, कई बार बीएसपी की सरकार देखी है। भाइयों बहनों, मैं आपको पूछना चाहता हूं,
क्या इन लोगों ने आपके जीवन में कोई बदलाव लाया है, आपका भला किया है, उत्तर प्रदेश का भला किया है, किसानों का भला किया है, माताओं बहनों को सुरक्षा दी है? हर परीक्षा में, हर कसौटी में ये जो फेल हुए हैं, क्या ऐसे लोगों को दोबारा परीक्षा देने का भी हक है क्या? भाइयों बहनों, 2014 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने सारा हिसाब चुकता करके दिखा दिया था। अपने आप को दिग्गज मानने वाली पार्टियों को उत्तर प्रदेश ने साफ कर दिया था। सिर्फ दो कुनबे के कोष लोग जीत करके आए थे, दो कुनबे के सामान्य कार्यकर्ता को जीता नहीं पाए थे। उन्होंने पूरी ताकत कुनबे को बचाने के लिए लगाई थी। एक कांग्रेस के कुनबे के दो लोग जीत करके आए थे, सपा के कुनबे के कुछ लोग जीत करके आए थे, बाकी सारी की सारी सीटें ये उत्तर प्रदेश के लोगों ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया था। श्रीमान अखिलेश जी, खतरे की घंटी तो उसी दिन बज गई थी जब 2014 में उत्तर प्रदेश की जनता ने आपका सफाया कर दिया था। अच्छा होता 2014 के चुनाव के बाद आपको 2.5 साल मिले, आप जनता के लिए कुछ अच्छा कर पाते, अपनी छवि ठीक कर पाते, गुंडागर्दी को रोक पाते, किसानों के कल्याण के लिए धरती पर कुछ चीजें उतार के लाते। लेकिन 2014 में उत्तर प्रदेश की जनता ने बसपा को साफ कर दिया, कांग्रेस को कड़ी से कड़ी सजा दी, समाजवादी पार्टी के सारे सपने चूर चूर कर दिए। उसके बाद भी आप सुधरने के लिए तैयार नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब उनको डर लगा कि 2014 में परिवार भी एक था, कोई झगड़े बगड़े नहीं थे, अखिलेश की तब तक छवि भी ठीक थी, उस समय तो लोगों को लग रहा था नौजवान है कुछ करेगा। लेकिन जब 2014 में आपके सुपड़े साफ हो गए तो आप लोगों का भला करने के बजाय जोड़ तोड़ की राजनीति में लग गए, गठबंधन के कारोबार में लग गए, और ऊपर से परिवार भी बिखर गया। और इसलिए आप कांग्रेस के शरण में जाके बैठ गए। जो राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, जो राम मनोहर लोहिया के चेले चपाटे सारे जीवन भर चना ममरा खा करके कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, आपने राम मनोहर लोहिया जी को अपमानित किया, जयप्रकाश नारायण जी को अपमानित किया। सिर्फ कुर्सी के मोह में आप कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए। मैं आज प्रथम चरण का जो मतदान हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैं सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस को
करारा उत्तर देने वाला मतदान हुआ है, विक्रम मतदान हुआ है। और इसलिए मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पहले चरण का रुख ये साफ साफ बता गया कि कितने ही गठबंधन कर लो, आपके पाप धुलने वाले नहीं है, आप बचने वाले नहीं है। जब उनको लगा कि प्रथम चरण में ही उनका पत्ता साफ हो रहा है, तो चुनाव का मतदान चल रहा था, हड़बड़ी में उनको तीसरा घोषणा पत्र निकालना पड़ा। किसी चुनाव में हर हफ्ते नए घोषणा पत्र निकालने पड़ते हैं क्या? जब पराजय सामने दिख गया तो दोनों पत्रकारों के सामने बैठ करके गिड़गिड़ाने लगे, कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश चुनाव की खबरें ना आ जाए, और इसलिए नए नए मुद्दे डाल करके अपनी इज्जत बचाने के लिए फिर से कोशिश की। अरे कितने ही घोषणा पत्र निकाल दो, कितने ही मुद्दे निकाल दो। आपातकाल याद है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 20 मुद्दे निकाले थे, 20 मुद्दे, और पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट जीत नहीं पाए थे। आप 10 मुद्दे लेकर के आए हो, उत्तर प्रदेश में बचने की कोई संभावना नहीं है। ये उनको इसलिए करना पड़ता है कि कहीं पर उनको आशा नजर नहीं आ रही है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, यहां पर समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की 5 साल से सरकार है। इस चुनाव में उन्होंने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, दे रहे हैं क्या? कोई काम का हिसाब दे रहे हैं क्या? आप मुझे बताइए भाई, आज मैं यहीं से लखनऊ जाने को तैयार हूं। मैं अखिलेश जी को कहता हूं, आप भी लखनऊ आइए, हम दोनों लखनऊ के मेट्रो स्टेशन पे जाएं, टिकट खरीदें और दोनों जाकर के मेट्रो में जरा सफर करके आए। आपने उद्घाटन किया था ना, गाजे बाजे के साथ उद्घाटन किया था ना, भारत सरकार ने पैसे दिए थे लेकिन भारत सरकार के किसी मंत्री को बुलाया तक नहीं था। अरे लखनऊ के सांसद को भी अपमानित किया था। क्यों? क्योंकि चुनाव में आपको काम दिखाना था, इसलिए आपने फीता काट दिया। लेकिन न रेल का स्टेशन बना है, न कहीं ट्रेन चलती है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, अगर इसी तरह से, अगर इसी प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाने का काम चलता रहेगा, तो भाइयों बहनों मुझे बता दीजिए कि कैसे कैसे लोगों का भला होगा। आप जरा मुझे बताइए, आपने बड़े मेदांता अस्पताल का उद्घाटन किया, हड़बड़ी में किया, क्योंकि काम बोले। आइए अखिलेश जी, अपन चले जाएं मेदांता अस्पताल में, आपका बीपी चेक करे, मेरा बीपी चेक करे, मैं मान लूंगा कि अस्पताल चालू हुआ है। न कोई डॉक्टर है, न कोई पेशेंट है, न कोई व्यवस्था है, फीता काट दिया।
ये आपका काम बोल रहा है क्या? ये काम बोल रहा है क्या? अरे अखिलेश जी, आपका तो काम ये बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें गले में चेन डालने से डरती है, कहीं घर के बाहर जाए कोई चेन छीन करके ले ना जाए। यह आपका काम नहीं, आपकी पार्टी के दबांग लोगों के कारनामे बोलते हैं, आपकी पार्टी में गुंडागिर्दी करने वालों के पाप बोलते हैं, छत पर चढ़ करके बोल रहे हैं। भाइयों बहनों, जिस उत्तर प्रदेश में हर दिन कोई कहता है 12, कोई कहता है 15, कोई कहता है 20, हर दिन इतनी बलात्कार की घटनाएं होती हो, भाइयों बहनों, हर दिन 12, 15, 17 हत्याएं होती हो, हर हत्या के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति की बू आती हो, भाइयों बहनों, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है जो जेलों में बंद है वो बाहर अपनी गैंग चलाते हैं और जेल से इशारे करते हैं और लोगों को मार दिए जाते हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जेलों से भी गैंग चलती हो, हर दिन इतने बलात्कार होते हो, निर्दोषों की हत्याएं होती हो, अपहरण होते हो, दंगे होते हो, इसे आप अखिलेश जी का काम कहेंगे कि समाजवादियों के कारनामे कहेंगे? ये काम है कि कारनामा? ये काम है कि कारनामा? ये काम है कि कारनामा? भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश क्या ऐसे गुंडा लोगों के हाथ में, निर्दोष लोगों को उनके हवाले कर दिया जाएगा? भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, एक बार हमें सेवा करने का मौका दीजिए, 6 महीने के भीतर भीतर, 6 महीने के भीतर भीतर ये कट्टे और कट्टे वाले हो, ये चाकू या छुरी वाले हो, ये बलात्कारी हो, ये बड़े बड़े लोगों की गैंग हो, 6 महीने के भीतर उनको जेल के सलाखों में न डाल दूं, तो आप मुझे कहना मेरे भाई बहन। मैं उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, आज दिल्ली में आपका एक ऐसा भाई बैठा है जो आपकी रक्षा करने के लिए उत्तर प्रदेश में सेवा करना चाहते हैं, आप हमें मौका दीजिए। क्या कारण है, क्या कारण है मेरी माताएं बहनें ये जुल्म सहे? आज उत्तर प्रदेश का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां दिन दहाड़े भी कोई मां बेटी अकेली घर के बाहर निकल पाती हो। कृष्ण और राम की ये धरती क्या बना करके रख दिया आपने? यहां के लोग अच्छे हैं, मेहनत करते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जहां जहां गए उस इलाके की भलाई के लिए मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ऐसे मेहनती लोग हैं। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश को यहां की सपा सरकार, कांग्रेस सरकार, बीएसपी, इनकी राजनीति ने, गुंडागर्दी के संरक्षण ने उन्हें तबाह करके रखा हुआ है। और इसलिए भाइयों बहनों,
ये हमारा लखीमपुर जिला पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, चीनी का कटोरा कहा जाने वाला ये मेरा लखीमपुर। हमारे किसानों का पसीना मीठा हो जाता है, स्वीट हो जाता है, स्वीट हो जाता है। ऐसे गन्ने की ताकत है यहां। लेकिन भाइयों बहनों, गन्ना किसानों का बकाया चुकता करने में अखिलेश जी आपको कौन रोकता है? हर किसान बोलता है, गन्ने की खेती करने वाला हर किसान बोलता है कि आपने उसके हक को छीना है, क्या यही आपका काम बोलता है? भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूं। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में आपको वादा किया है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद 14 दिन में, 2 सप्ताह में गन्ना किसानों का बकाया चुकता कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश बीजेपी को इसलिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसानों को वादा किया है कि भाजपा की सरकार बनने के बाद यहां के छोटे किसान हैं उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, आप उत्तर प्रदेश वालों ने मुझे सांसद भी बनाया, प्रधानमंत्री भी बनाया, देश को स्थिर सरकार भी दी। 30 साल के बाद देश को स्थिर सरकार देने का अगर यश किसी को जाता है तो मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों को जाता है। तो आपने मुझे उत्तर प्रदेश का सांसद भी बनाया है, तो उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते लखीमपुर के और उत्तर प्रदेश के मेरे किसान भाइयों को मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। और मैं खुद इस काम को करवा के रहूंगा। ये मेरी जिम्मेवारी मान लीजिए, मैं उत्तर प्रदेश से करवा के रहूंगा। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, मायावती जी के शासन में चीनी मिल की नीलामी, ये बड़ा तूफान खड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था? भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे कि नहीं लगे थे? और श्रीमान अखिलेश जी, आपने इस घोटाले की जांच करवाने का जनता को वादा किया था कि नहीं किया था? जांच करवाने का वादा किया था कि नहीं किया था? 5 साल हो गए कि नहीं हो गए? आप मुझे बताइए, घोटाले की जांच हुई क्या? जांच हुई क्या? क्या ये काम बोलता है? क्या ये काम बोलता है? क्या मायावती का ये घोटाला दबाने के बदले में क्या मिला? जला अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। बताओ,
बना दिया। भाइयों बहनों, कोई मुझे बताइए, अपने खेत की जो बाढ़ होती है, बाढ़ बोलते हैं ना यहां पर, खेत की जो मेड़ होती है, मेड़ है, कोई खेत की मेड़ का इंश्योरेंस निकालता है क्या? कोई निकालता है क्या? आप मुझे बताइए, मेड़ के बाद सबसे कम नुकसान होने वाली कोई फसल है? कम से कम नुकसान हो सकता है, जिसका कम से कम जोखिम है, वो अगर फसल है वो गन्ना है। जिसका कम से कम जोखिम होता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार गन्ना किसानों को सजा करने के इरादे से उसने गन्ना किसानों को गन्ने को मजबूरन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में घुसेड़ दिया, और उसके कारण गन्ना किसानों पर हजारों करोड़ों का बोझ आ गया। हमने सितंबर में उनको चिट्ठी लिखी, हमारे मंत्री जी ने, कि भाई गन्ना किसानों को पर ये बोझ मत डालो, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उन फसलों के लिए होती है जिस पर जोखिम ज्यादा होता है। ओले गिर जाए तो किसान खत्म हो जाता है, ज्यादा बारिश हो जाए तो खत्म होता है। आपने ये गन्ने को अंदर डाल करके और किसानों को भी बर्बाद किया और गन्ने किसानों पर ज्यादा बोझ डाल दिया। भाइयों बहनों, हम एक ऐसी, कभी कभी हमारे अखिलेश जी कह रहे हैं कि मोदी जी जरा काम तो बताओ, ये सत्ता के नशे में ऐसे डूबे हुए हैं कि उनको काम नजर नहीं आता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की, आजाद हिंदुस्तान में ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए कभी नहीं आई। मैं बताता हूं कैसे। किसान को ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुई है। क्या किया है हमने? मान लीजिए आप जून महीने में बुआई करना चाहते हैं, लेकिन बारिश नहीं आई, सब खर्चा कर दिया, सब व्यवस्था कर दी, बस बारिश आ जाए बुआई के लिए तैयार बैठे हैं आप। जुलाई में बारिश नहीं आई, अगस्त में बारिश नहीं आई, बुआई हो नहीं पाई। अब मुझे बताइए किसान क्या करेगा? बुआई नहीं हुई तो क्या करेगा? पहली बार हम एक ऐसा बीमा योजना लाए हैं कि अगर किसान बुआई नहीं कर पाया तो भी उसको बीमा का पैसा मिलेगा, उसके साल को बचा लिया जाएगा। भाइयों बहनों, इस लखीमपुर इलाके के लिए खास, यहां के किसानों को सबसे बड़ी समस्या है जलभराव की। जलभराव की समस्या है कि नहीं है? आज तक हिंदुस्तान में जलभराव के कारण अगर किसान का नुकसान हुआ तो उसको कोई मदद नहीं मिलती थी। हमारी सरकार ने कह दिया, जलभराव के कारण भी अगर किसान का नुकसान हुआ है तो उसको भी बीमा का पैसा दिया जाएगा, किसान की रक्षा की जाएगी। भाइयों बहनों, क्या कभी सोचा है आपने, अच्छी बारिश हो गई, किसान ने अच्छी मेहनत की, यहां की तो जमीन भी बड़ी उपजाऊ है, 100% 16 आनी 5 पैदा हो गया, बस खेत में फसल का ढेर करके रखा हुआ है, अब 1-2 दिन 4 दिन में मंडी जाना है,
ट्रैक्टर आने वाला है, बैलगाड़ी आने वाली है, सब तैयार है, मंडी जाने के बाद इंतजार है, और अचानक ओले गिर गए, अचानक बारिश आ गई, अचानक आंधी आ गई, सोलानी फसल बर्बाद हो गई। भाइयों बहनों, इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम ऐसी लाए हैं कि कटाई के बाद 15 दिन में अगर खेत में आपकी फसल पड़ी है, ढेर लगा हुआ है, मंडी में जाने का इंतजार है, और उसी समय अगर नुकसान हो गया तो भी फसल बीमा का पैसा मिलेगा। यह काम हमने किया है। यहां मेरे किसान भाई आए हैं लाखों की तादाद में, आप मुझे बताइए ये किसानों की भलाई का काम है कि नहीं है? ये किसानों की भलाई का काम है कि नहीं है? ये काम प्रधानमंत्री ने किया है कि नहीं किया है? ये काम भारत सरकार ने किया है कि नहीं किया है? ये काम आपको दिखता है? ये काम आपको दिखता है? ये काम आपको दिखता है? अखिलेश जी को नहीं दिखता है। भाइयों बहनों, मेरी और एक गंभीर आरोप है, इस सरकार पर मेरा गंभीर आरोप है, और मैं आरोप बड़ी जिम्मेवारी के साथ लगाता हूं। मुझे मालूम है यहां के मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पाएंगे, यहां की सरकार जवाब नहीं दे पाएगी। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 50-60% किसानों का बीमा हो जाए। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, 50-60% किसानों का बीमा हो जाए। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, 50-60% किसानों का बीमा हो जाए। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 50-60% किसानों का बीमा हो जाए। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, 50-60% किसानों का बीमा हो जाए। क्या कारण है अखिलेश जी, जो उत्तर प्रदेश किसानों से भरा पड़ा प्रदेश है, हर जमीन का एक इंच उपजाऊ जमीन है, मेहनत कश किसान है, लेकिन आपके रहते हुए आप किसान विरोधी हो, उसके कारण सिर्फ 14% किसानों का ही बीमा हुआ, सिर्फ 14% का। कौन जिम्मेवार इसके लिए? कौन जिम्मेवार भाइयों बहनों, कौन जिम्मेवार? और ये 14% भी कौन है? सिर्फ उनके वोट देने वाले जो कुनबे है ना, सिर्फ उन्हीं को बीमा का लाभ दिया गया, बाकी किसानों को नहीं दिया गया। क्या फसल बीमा योजना में भी आप किसानों में मेरा तेरा करोगे, उसमें भी जातिवाद का जहर घोलोगे? क्या किसान मेहनत करता है, गेहूं पकाता है, तो क्या यह सोचता है कि गेहूं किसके पेट में जाएगा? भाइयों बहनों, इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं होता है, इससे बड़ा कोई अन्याय नहीं होता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आज से 2 साल पहले जब मैं नया नया प्रधानमंत्री बना था, मई महीने में मैं सरकार बनाई, और देश भर से मुझे शुरू में मुख्यमंत्रियों की चिट्ठियां जो आती थी वो एक ही विषय पर आती थी, और वो चिट्ठी आती थी यूरिया के लिए। हर मुख्यमंत्री लिखता था कि हमें यूरिया ज्यादा चाहिए, हमारे किसानों को यूरिया चाहिए, यूरिया दीजिए। भाइयों बहनों, 2 साल हो गए, आज मुझे एक भी मुख्यमंत्री की यूरिया मांग करने वाली चिट्ठी नहीं आती है। क्या कारण है? इसलिए आप सबको याद है कि यूरिया खरीदने के लिए
किसान को रात रात कतार में खड़े रहना पड़ता था, यूरिया खरीदने के लिए किसान को काले बाजारी से यूरिया खरीदना पड़ता था, अगर समय पर यूरिया नहीं मिला तो उसके लिए वो यूरिया जहर हो जाता है, बेकार हो जाता है। उसे समय पर चाहिए, फसल को आवश्यकता हो तब मिलना चाहिए, 10-15 दिन के बाद मिलने के बाद कोई फायदा नहीं होता है। और इसलिए वो काला धन देकर के, ब्लैक मनी देकर के काले बाजारी से यूरिया खरीदता था। भाइयों बहनों, 2 साल में हमने ऐसी व्यवस्था की, यूरिया का उत्पादन बढ़ाया, यूरिया में भाई भतीजावाद को खत्म किया, मेरा तेरा समाप्त हो गया, हर किसी को न्याय से यूरिया मिले उसकी नीति बनाई, नए यूरिया के कारखाने लगाने का काम शुरू किया। गोरखपुर के अंदर कई वर्षों से बंद पड़ा यूरिया का कासिर का कारखाना चालू करने का हमने फैसला किया। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा जो काम किया, हमने यूरिया का नीम कोटिंग कर दिया। पहले क्या होता था, कारखाने से यूरिया निकलता था लेकिन किसान के पास नहीं जाता था, चोर बाजारी के रास्ते से केमिकल फैक्ट्रियों में चला जाता था। केमिकल वालों के लिए यूरिया रॉ मटेरियल होता था, उसमें से वो और चीजें बना करके अरबों खरबों रुपये कमाते थे, और यूरिया पैदा करने वाले राजनेता सारे मिलकर के ये यूरिया में भ्रष्टाचार का कारोबार करते थे। हमने नीम कोटिंग कर दिया। भाइयों बहनों, नीम कोटिंग करने के कारण मुट्ठी भर यूरिया भी किसी केमिकल फैक्ट्री में काम नहीं आ सकता, सिवाय खेत ये यूरिया का कोई उपयोग ही नहीं हो सकता है। मुझे बताइए, चोरी गई कि नहीं गई? चोरी गई कि नहीं गई? काले बाजारी गई कि नहीं गई? बेईमानी गई कि नहीं गई? किसान को यूरिया मिला कि नहीं मिला? किसान को यूरिया मिला कि नहीं मिला? अखिलेश जी, ये काम भी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको कारनामों की आदत है, काम की आदत नहीं है। भाइयों बहनों, मैं जहां दुख के साथ कहना पड़ता है, भारत सरकार किसानों का माल पानी के मोल बिक न जाए, फसल पैदा होने के बाद किसान के पास रखने की जगह नहीं होती है, वो जल्दी से जल्दी मंडी पहुंचा करके बेच देना चाहता है, उसको डर भी रहता है कि खुले में पड़ा और कोई नुकसान हो जाएगा तो, लेकिन मंडी में जाता है तो दाम गिर जाते हैं, किसान के पसीने की कमाई पानी के मोल बिक जाती है। भारत सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, भारत सरकार पैसे देती है और राज्य सरकार को कहती है कि आप किसानों से ये मूल्य से सारी चीजें खरीदिए, धान खरीदिए, गेहूं खरीदिए, किसानों को रक्षा करिए। भाइयों बहनों, हरियाणा में किसान जो पैदा करता है उसमें से 60-70% सरकार खरीदती है, दाम गिरने नहीं देती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, भाजपा की सरकारें 50-60% किसानों ने जो धान उत्पादन किया, जो चावल उत्पादन किया, जो गेहूं उत्पादन किया, उसको खरीद लेते हैं। और ये उत्तर प्रदेश जो किसानों का प्रदेश है, सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, किसानी करते हैं, लेकिन ये अखिलेश जी की सरकार
उसको पता नहीं किसानी से क्या दुश्मनी है। भाजपा की सरकारें 50-60% खरीदती हैं, ये सिर्फ 3% खरीदती है, 3%, 3। कहिए ये किसानों के साथ घोर अन्याय है कि नहीं है, ये किसानों के साथ जुल्म है कि नहीं है। भाइयों बहनों, मैं वादा करना चाहता हूं आपको, जो भी किसान अपनी पैदावार उचित दाम से बेचना चाहता है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी उसको उचित दाम से खरीदने का वादा करती है जी। किसान को मरने नहीं दिया जाएगा, किसान को लूटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, इनको परवाह नहीं है, इनको चिंता नहीं है। हमारा तो मंत्र है विकास, विकास के लिए ही सरकारें बननी चाहिए। भाई भतीजावाद के लिए सरकारें नहीं होती हैं, जात पात के लिए सरकारें नहीं होती हैं, संप्रदायवाद के लिए सरकारें नहीं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में भेद करने के लिए सरकारें नहीं होती हैं। सरकार हर किसी के लिए होती है, सबसे पहले गरीबों के लिए होती है, गांव के लिए होती है, किसान के लिए होती है, दलित पीड़ित शोषित वंचित के लिए होती है, माताओं बहनों के लिए होती है, नौजवानों के भविष्य के लिए होती है। लेकिन भाइयों बहनों, ये दो कुनबे, पूरा उनका कारोबार देखिए, ये जोड़ी ऐसे नहीं मिली है, दोनों में एक ही प्रकार के गुण है, दोनों में एक ही प्रकार के अवगुण है, दोनों में एक ही प्रकार की आदतें हैं, और इसलिए उनको मेलजोल सरल हो जाता है। भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश को जिन्होंने देश को लूटा और जिन्होंने उत्तर प्रदेश को लूटा, ऐसे जब मिल जाएं तो आगे क्या होगा इसका अंदाज कर सकते हो। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं जब यहां के आईएएस अफसर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आप ही की सरकार के आपके अफसर कहते हैं कि अगर डीएम बनना है तो 70 लाख रुपया जमाना कराना पड़ता है, 70 लाख रुपया। ये काम करते हो क्या? ना, ये काम बोलता है क्या? इसी काम के लिए जनता ने आपको बिठाया क्या? एक एक अफसर को तबादले के लिए, पोस्टिंग के लिए 70 लाख 75 लाख 1 करोड़ रुपया देना पड़ता है, तो भाइयों बहनों वो लाएगा कहां से? आप ही से लूटेगा कि नहीं लूटेगा? आप ही से लूटेगा कि नहीं लूटेगा? ये लूट बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ईमानदारी से व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन भाइयों बहनों, जब इस आईएएस अफसर ने पब्लिकली कह दिया कि ये 70 लाख रुपया मांगते हैं, तो नौकरी तो गई, सस्पेंड कर दिया गया उसको, सस्पेंड कर दिया गया। कोई अफसर अवैध खनन वालों को पकड़े तो उससे नौकरी से निकाल दो, कोई अफसर कानून व्यवस्था का काम करना चाहे उसको टेलीफोन पर धमकियां दो, यही काम करते रहे हो। भाइयों बहनों, हर थाने को समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना दिया गया है। जब तक समाजवादी पार्टी का नेता नहीं कहता है, थाने में कुछ काम नहीं होता है। भाइयों बहनों, इससे बड़ी चिंता का कोई विषय नहीं हो सकता है। भाइयों बहनों, ये लोग कैसे काम करते हैं, मैं जरा हिसाब बताता हूं आपको, इससे पता चलेगा आपको, और निर्णय इसी आधार पर होने चाहिए, जात पात के आधार पर निर्णय नहीं होने चाहिए। नौजवान, आप आपका भविष्य के लिए चिंता करो। जो बुजुर्ग है उनको शर्म के मारे शायद तकलीफ होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नौजवानों, आपको तो आपका भविष्य निर्धारित करना है।
मैं उदाहरण देता हूं, जब मैडम मायावती जी की सरकार थी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा सुनने जैसा है, मैडम मायावती जी की सरकार थी तो 2010 और 2012 के बीच में, 2010 और 2012 के बीच में उत्तर प्रदेश के 23 गांवों में बिजली का काम हुआ जहां बिजली नहीं थी। कितने गांव, कितने गांव, कितने गांव, कितने समय में? 2 साल में। कितने समय में? 2 साल में कितने गांव? ये काम किसने किया? मैडम, मैडम। उसके बाद बारी आई राजकुमार की, उन्होंने क्या किया? 2012 और 2014, 2012 और 2014 क्या किया आप अंदाज लगाइए क्या किया होगा? उत्तर प्रदेश में जब मैं दिल्ली में बैठा तो मैंने हिसाब लगाया, हिंदुस्तान में 18,000 गांव ऐसे हैं जिनमें बिजली का खंभा तक नहीं पहुंचा, बिजली का तार भी नहीं पहुंचा, बिजली का लट्टू नहीं लगा। 18,000 गांव 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर थे, बिजली देखी नहीं थी उन्होंने। मैंने आकर के कहा मुझे 1,000 दिन में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचानी है। 2014 में हमारी सरकार बनी, 2014 में बनी, मैं जरा 2012 से 14 तक का जिनका काम बोलता है उनका काम क्या बोलता है मैं बताना चाहता हूं। मायावती जी ने 23 गांवों में बिजली पहुंचाई थी, ये नौजवान मुख्यमंत्री ने सिर्फ 3 गांवों में बिजली पहुंचाई, 3। 2 साल में 3 गांव में खंभे लगे, तार पहुंचा। उत्तर प्रदेश में 1500 गांव अंधेरे में हैं। 2014 में मैं प्रधानमंत्री बना, उस समय 1500 गांव बाकी थे, उन्होंने सिर्फ 3 गांव का काम किया, मैडम ने 23 गांव का काम किया। और जब हमारी सरकार बनी तो हमने 2 साल में कितना किया, 2 साल में कितना किया? काम किसको कहते हैं? काम खुद कुछ से बोलता है। अरे काम तो उजियारा लाता है, उजियारा लाता है, काम दूर से भी दिखता है। भाइयों बहनों, हमें तो 2 साल के भीतर भीतर इसी उत्तर प्रदेश में मायावती के 2 साल में 23 गांव, अखिलेश जी के 2 साल में 3 गांव, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 साल में 1,364 गांव। आप मुझे बताइए, आपको 23 गांव वाली सरकार चाहिए, 23 गांव में काम करने वाली सरकार चाहिए, 3 गांव में काम करने वाली सरकार चाहिए, कि आपको 1,364 गांवों में काम करने वाली सरकार चाहिए? काम बोलता है कि नहीं बोलता है? उनके कारनामे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? उनके कारनामे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और इसलिए भाइयों बहनों, हम विकास के मुद्दे पर काम करने वाले लोग हैं, हम विकास करके दिखाना चाहते हैं। और इसीलिए भाइयों बहनों, मैं आज जब आपके पास आया हूं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर दो। आज कोई कारण है कि उत्तर प्रदेश से नौजवानों का पलायन होना चाहिए? आज किसी भी गांव में जाइए, नौजवान नजर नहीं आता है,
बुजुर्ग लोग हैं गांव में, सेवा करने वाला नहीं है। पूछते हैं भाई बेटा कहाँ गया, तो बोले वो तो मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए किसी शहर चला गया है, उसको तो जब किसानी का काम होगा तब आ जाएगा, लेकिन अभी तो कोई है नहीं तो चला गया है। भाइयों बहनों, क्या मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अपने माँ बाप के पास रहने का हक नहीं है क्या? अपने बुजुर्गों की सेवा करने का हक नहीं है क्या? अपने यार दोस्तों के बीच जिंदगी गुजारने का हक नहीं है क्या? अपने गांव खेत खलिहान के बीच आनंद और सुख से जीने का हक है कि नहीं है? उसको पेट भरने के लिए, बूढ़े माँ बाप के पेट भरने के लिए अपने गांव गलियार छोड़ करके शहरों की गंदी नाली में जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है? भाइयों बहनों, स्थिति मुझे बदलनी है, ये स्थिति मुझे बदलनी है। मुझे नौजवानों को उनके ही जनपद में नौकरी मिले, काम मिले, ऐसा विकास का मॉडल लेके काम करना है। उसके पास सपने हैं, सामर्थ्य है, संकल्प है, परिश्रम करने की तैयारी है। ये सरकार है जो ये करना चाहती है, और इसलिए मैं नौजवानों को निमंत्रित देता हूं। भाइयों बहनों, हमारी माताएं बहनें ये कांग्रेस के जमाने में 2014 का जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी याद है? 2014 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी मालूम है? कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी कि अगर दिल्ली में भारत सरकार में उनकी सरकार बनेगी और वे अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे? एक साल में गैस के जो 9 सिलेंडर मिलते हैं वो 12 कर देंगे, ये उन्होंने वादा किया था। भाइयों बहनों, हमारी सरकार आई, आप लोगों को पता है एक जमाना था पार्लियामेंट के मेंबर को, एमपी को 25 कूपन मिलती थी गैस की, कूपन वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने परिचितों को गैस का कनेक्शन हर साल 25 को दिलवा सकता था, 25 को। 5 साल में 125 लोगों के उसको कूपन मिलते थे। इतना बड़ा पार्लियामेंट का क्षेत्र, 2000 गांव और 125 कूपन, ये दिन थे। और कुछ एमपी तो ऐसे थे वो कूपन को भी काले बाजारी में बेचते थे, ऐसी अखबार में खबर आती थी। कैसी कैसी बीमारियां घुस गई है भाइयों। हम आए, हमने तय किया अगर स्थिति बदलनी है तो ऐसे नहीं बदलेगी। भाइयों बहनों, आज भी मेरी गरीब मां जब लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है, 400 सिगरेट का धुआं एक दिन में उसके शरीर में जाता है। लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाने से 400 सिगरेट का धुआं उस मां के शरीर में जाता है। लकड़ी का चूल्हा जलाती है, खाना पकाती है, घर में छोटे छोटे बच्चे, इनके शरीर में भी धुआं जाता है। मुझे बताइए, ये मां बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? वो बच्चे बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा? क्या गरीबों के लिए कुछ नहीं होना चाहिए? हम आए और मैंने पहले दिन कहा है, मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं, मैंने गरीबी को जिया है और इसलिए मैं गरीबों के लिए जीना चाहता हूं, गरीबों के लिए कुछ करना चाहता हूं। मुझे गरीबी देखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, मैं गरीबी जी करके आया हूं। गरीब के मुसीबतें मैंने झेली हुई है और इसलिए भाइयों बहनों, हमने निर्णय किया कि 5 करोड़ परिवार जिनके घरों में गैस का चूल्हा नहीं है, गरीबी में जिंदगी गुजारते हैं, सरकार की तरफ से
उनको मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिया जाएगा और लकड़ी के चूल्हे से मुक्ति दिला करके गैस के चूल्हे से खाना पकाने के लिए उनको मदद की जाएगी। भाइयों बहनों, इस योजना को तो अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, काम कैसे बोलता है, काम कैसे दिखता है, काम की क्या ताकत होती है। अब तक साल भी नहीं हुआ है, 1,80,00,000 गरीब माताओं को गैस का कनेक्शन दे दिया। अरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लाखों परिवारों में गैस का कनेक्शन पहुंच गया, गैस का चूल्हा काम करने लग गया, एक भी रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। भाइयों बहनों, 1,80,00,000 लोगों को गैस का कनेक्शन दे गए दिया। आप मुझे बताइए, इससे गरीबों का भला होगा कि नहीं होगा? ये गरीबों की सेवा है कि नहीं है? ये माताओं बहनों की सेवा है कि नहीं है? इसको काम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहने आया हूं कि मेरी सरकार देश के गरीबों के हक को सुरक्षित करना चाहती है। मेरी सरकार मध्य प्रदेश मध्यम वर्गीय लोगों का जो शोषण होता है उनकी रक्षा करना चाहती है। भाइयों बहनों, इस देश को भ्रष्टाचार ने तबाह किया है कि नहीं किया है? जरा मुझे बताइए, भ्रष्टाचार ने बर्बाद किया है कि नहीं किया है? हर मौके पर भ्रष्टाचार आपको रोकता है कि नहीं रोकता है? भ्रष्टाचार आपके हकों को छीनता है कि नहीं छीनता है? आपको बर्बाद करता है कि नहीं करता है? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर सरकार में नौकरी चाहिए तो इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू 100 लोगों की नौकरी, 1,00,000 लोगों का इंटरव्यू, और 3 बाबू बैठे होते हैं, वो एक कमरे से आता है, दूसरे दरवाजे से निकलता है, 30 सेकंड लगता है, 30 सेकंड वो ऐसे ही गुजरता है, और उनका मूड कर गए तो पूछते हैं क्या नाम है, कहां से आए हो, इतने में तो वो निकल जाता है। मुझे बताइए, क्या ये इंटरव्यू का तरीका है क्या? कोई मुझे बताइए, ये इससे इंटरव्यू होता है क्या? क्या ये 30 सेकंड में, ऐसा कौन सा एक्सरे मशीन है कि आपको पता चल जाए कि अच्छा है ये बुरा है, ये बेईमानी है कि नहीं है? भाइयों बहनों, ये बेईमानी भ्रष्टाचार करने की दुकान है, दुकान। ईमानदार होनहार बच्चा, बेटा हो या बेटी, अच्छे से अच्छे मार्क लाता हो, हर परीक्षा में उत्तम मार्क लाता हो, टेस्ट में भी अच्छे मार्क लाता हो, और जब इंटरव्यू कॉल आता है, मां कहती है बेटा तेरा इंटरव्यू कॉल तो आया है, लेकिन बिना सिफारिश नौकरी कहां मिलेगी? देखो ढूंढो, कोई जान पहचान मिलता है क्या? कोई तुझे नौकरी में इंटरव्यू पास करवा सकता है क्या? तो बेटा कहता है मां, मिल तो जाएगा लेकिन वो तो 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 रुपया मांगेगा। तो गरीब मां कहती है बेटा अब मेरी तो जिंदगी पूरी होने आई है, ये घर गिरवी रख करके अगर तेरी नौकरी लग जाती है तो गिरवी रख दो, ये मेरा मंगलसूत्र गिरवी रख करके तुझे नौकरी मिल जाती है तो बेटा गिरवी रख दो। बाप कहता है मेरा छोटा सा खेत, अगर वो गिरवी रख करके तुझे नौकरी मिल जाती है तो बेटा गिरवी रख दो, लेकिन तुम पैसे दे करके भी नौकरी ले लो। भाइयों बहनों, ये पाप खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये नौजवानों का हक लूटा जा रहा है, वो बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, हमने फैसला किया, दिल्ली में बैठते ही हमने कहा तीसरे और चौथे वर्ग के जो सरकारी मुलाजिम है, जो सबसे ज्यादा होते हैं,
टीचर हो, नर्सिज हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, ड्राइवर हो, प्यून हो, क्लार्क हो, ये सब सबसे ज्यादा होते हैं। बड़े बड़े बाबू तो बहुत कम होते हैं। हमने तय कर लिया वर्ग 3 और 4 के कोई इंटरव्यू नहीं होंगे। उसके पास जो मार्क आए हैं परीक्षा में, टेस्ट में जो मार्क आए हैं, वो सारा कंप्यूटर में डाल दिया जाएगा और कंप्यूटर को पूछा जाएगा कि बताओ भाई नंबर 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है, 10 कौन है, 100 कौन है। कंप्यूटर बताएगा जो पहले 100 होंगे उनके घर ऑर्डर चला जाएगा, विधवा मां के बेटे को नौकरी मिल जाएगी। भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया, गया कि नहीं गया? मैंने उत्तर प्रदेश की सरकार को आग्रह किया, मैंने कहा भाई मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, इतना तो करो, भारत सरकार ने कर दिया है, आप उत्तर प्रदेश में ये भाई भतीजावाद जातिवाद खत्म करने के लिए इंटरव्यू खत्म करिए। नहीं किया भाइयों बहनों, नहीं किया। और नौकरी किसको मिली? नौजवानों, किसी को नौकरी न्याय मिलने हकदार था, मिली क्या? उनके रिश्तेदारों को मिली कि नहीं मिली? उनकी वोट बैंक वालों को मिली कि ना मिली? ईमानदार नौजवान को नौकरी मिली क्या? भाइयों बहनों, हमने वादा किया है जिन नौजवानों का हक था लेकिन पिछले 5 साल में उनके हक डूबो गया है, वो सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया जाएगा और जिसका हक है उसको हक देने के लिए हम कोशिश करेंगे। भाई भ्रष्टाचार और काला धन, उसके खिलाफ मैंने लड़ाई छेड़ी है। बातें बहुत करने वाले आगे गए लेकिन करने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि राजनीतिक हिसाब किताब बैठता नहीं था। 8 नवंबर रात को 8 बजे टीवी पर आकर के मैंने कह दिया, 1000 और 500 की नोट वाले अभी भी उनको नींद नहीं आती है। भाइयों बहनों, गरीब का लूटा है वो गरीब को लौटना चाहिए कि नहीं चाहिए? 70 साल से बेईमानी से इकट्ठा किया वो वापिस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये लड़ाई मेरी सही है कि गलत है? ये लड़ाई चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? बेईमानी का पैसा वापिस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? गरीब को हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं रुकने वाला भी नहीं हूं, मैं झुकने वाला भी नहीं हूं, न मैं चैन से बैठूंगा और न लुटेरों को चैन से बैठने दूंगा। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं ये सभी इकट्ठे हो जाएंगे, उनको इतना डर लग रहा है क्योंकि इतना जमा कर करके रखा है, ये निकलना शुरू हो गया है। अभी कांग्रेस के नेता पूछ रहे थे, मोदी जी बताएं कितना काला धन आया। 2014 के पहले, 2014 के पहले अखबार खोल कर देख लीजिए क्या खबर आती थी, कोयले में कितना गया, 2G में कितना गया, हेलीकॉप्टर में कितना गया, सिंचाई में कितना गया, यही खबर आती थी कि नहीं आती थी? यही आती थी कि नहीं आती थी? हर कोई पूछता था कांग्रेस जवाब दे कितना खाया। मोदी को क्या पूछा जाता है? मोदी को कोई ये नहीं पूछता है कि मोदी जी कितना खाया, मोदी को कोई ये नहीं पूछता है कि कितना गया। लोग मोदी से पूछ रहे हैं कितना आया, बताइए फर्क है कि नहीं है, ये बदल है कि नहीं है? अरे दिल्ली में एक ऐसी सरकार आपने बिठाई है जिससे देशवासियों को भरोसा है, पूछ रहा है देश मोदी जी कितना आया जरा बता दीजिए। पहले बात होती थी कितना गया, अब बात हो रही कितना आया। आएगा,
हर सब कुछ वापस आने वाला है। और जो नेता मुझे पूछ रहे हैं, जरा बताओ कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है उसके मंत्री के घर से 150 करोड़ निकला वो क्या था, उसके एक एमएलए के यहां से 100 करोड़ से ज्यादा निकला वो क्या था, उसके एक इंजीनियर के यहां से करोड़ों रुपए निकला वो क्या था। निकल रहा है, सब जगह से निकल रहा है और भी निकलने वाला है। भाइयों बहनों, मेरी ये लड़ाई छोटे छोटे व्यापारियों से नहीं है। व्यापारी तो क्या करता होगा, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए का माल 22 में बेच देता होगा, मौका पड़ गया तो 25 में बेचता होगा, सरकार को 100 रुपया देना होगा तो हो सकता है 80 रुपया देता होगा, इससे ज्यादा कोई पाप नहीं करता है वो। और अगर सब लोग न्याय से चले तो सबसे पहले इस देश का व्यापारी न्याय से चलने के लिए, हमसे भी आगे चलने के लिए तैयार है। लेकिन लूटा किसने है? व्यापारियों ने नहीं लूटा है, किसान ने नहीं लूटा है, मजदूर ने नहीं लूटा है, लूटा है जो पद पर बैठे हैं, पद का दुरुपयोग किया है, चाहे राजनेता हो, चाहे बाबू लोग हो, चाहे थानेदार हो, इन्होंने ही लूटा है। सारी जड़ वही है। और इसलिए मेरी लड़ाई छोटे छोटे व्यापारियों से नहीं है, मेरी लड़ाई इन ठेकेदारों से है। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद चाहिए। और मुझे विश्वास है 125 करोड़ देशवासी कठिनाइयां झेल करके भी, तकलीफ झेल करके भी इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, इस देश को काला दम खत्म करने के लिए कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ खड़े, इससे बड़ा मेरा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है। आइए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने के लिए, यहां के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, कानून व्यवस्था को वापस लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाइए, कमल के निशान पर बटन दबाइए, भव्य विजय दिलाइए। और पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने जो कमाल करके दिखाई है, पूरा उत्तर प्रदेश वैसी ही कमाल करके दिखाए। और अभी 3 एमएलसी का चुनाव इनके गठबंधन होने के बाद हुआ और तीनों भाजपा जीत गई, हजारों वोटों से जीत गई, बाकियों के पत्ते साफ हो गए। सरकार उनकी थी, गठबंधन उनका था, इरादे उनके थे, करतूत उनके थे, काम बोलता है तीनों हम जीत गए, काम बोलता है तीनों एमएलसी ने उनको परास्त करके रख दिया। यही तो ताकत है काम की। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, कारनामों से उत्तर प्रदेश को बचाना है, काम से आगे बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश को उत्तर दो अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश को उत्तर दो। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाओ। मेरे साथ मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।